तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किए बहुत ही अमेजिंग से डिजाइनर साड़ियाँ, इंडो वेस्टर्न ड्रेस, कुर्ता सेट, हैंडबैग्स, बहुत कुछ आपको एक ही हॉल में मिक्स देखने को मिलेगा। प्लस सभी लेटेस्ट कलेक्शन है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके कोड आपने मुझे दिए थे। एंड आज का वीडियो भी है रीसेलिंग वीडियो, जितने भी आउटफिट्स हैं सब कुछ रीसेलिंग में है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर क्लिप दे दूंगी। आप मुझसे रीसेलिंग के लिए वहाँ पर कनेक्ट रहिए, उसके थ्रू ही आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। एंड रीसेलिंग प्राइस और मीशो प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ पर मेंशन करती रहूँगी। तो आप ध्यान रखना, आपको कुछ भी परचेज करना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिए। लेकिन आप जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है क्योंकि वन प्रोडक्ट ही होते हैं। एंड मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। आपको अपने फर्स्ट प्रोडक्ट पे फ्लैट 30% एंड 100 rupees का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप वहां से मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता सेट है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, रेगुलर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो मैं यहाँ पे क्लिप दे दूंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से, जो कि है माय फेवरेट ब्लैक कलर की साड़ी। एंड साइड में आपको इमेज देखने को मिल जाएगी, यार बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी ये वाली साड़ी है। एंड इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बिकॉज आगे आपको इस मंथ में बहुत सारे मीशो हॉल और भी बहुत ही अमेजिंग आउटफिट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी रिक्वेस्ट आपने मुझे की थी, चाहे वो किसी भी वेबसाइट से हो। तो सब्सक्राइब करके रखना जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। एंड ये बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साड़ी है। साइड में आपको दोनों प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके की आपको वाली साड़ी देखने को मिलेगी। मैंने जब इस साड़ी को मीशो पे देखा, रियली बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिलेगी। मे बी कलर ऑप्शन शायद इसमें अवेलेबल है, एक या दो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन जो ब्लैक कलर है ना वो ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे एंड ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऑब्वियसली किसी भी फंक्शन पार्टी के लिए बेस्ट है। एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी। इसका जो पूरा आप देख सकते हो ना, ये जो काम किया हुआ है ये कटवर्क का काम किया हुआ है, प्लस ये पूरे पे गोल्डन कलर के सिक्वेंस के फ्लावर बनाए हुए हैं। मैं आपको पास से एक बार लुक दिखा रही हूँ जिससे आपको एक बार फिनिशिंग क्वालिटी पता चल जाए। पूरी साड़ी आपको सिर्फ फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। एक तो जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड पूरी साड़ी कुछ आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। ये इन्होंने आंचल दिया है, आंचल पे आपको चारों तरफ ये वाला बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। फुल लुक आप साइड में देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वाली साड़ी का जो लुक है वो इसके ब्लाउज को स्टिच कराने के बाद आएगा, क्योंकि इसका ब्लाउज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी रखा है, प्लस स्टाइलिश रखा है। एंड पूरी साड़ी आपको सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। एंड पूरी साड़ी में आपको नीचे की साइड है ना सेम वही वाला बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का गोल्डन बॉर्डर। पूरी 5.5 meter की साड़ी है एंड किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन के लिए बेस्ट है। थोड़ा लाइटिंग की वजह से ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन इसकी जो शाइनिंग है, इसका जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है। प्लस सबसे अच्छी बात है इतना सॉफ्ट है और लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी साड़ी है ये वाली। एंड आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। एंड इसका ब्लाउज इन्होंने टफेटा सिल्क फैब्रिक में कुछ इस तरीके का ब्लाउज पीस दिया है। लुक एट दिस, पूरा सिक्वेंस का ब्लाउज पीस इन्होंने दिया हुआ है, 90 cm के आसपास है। तो आप इससे सेम वैसा ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, बस आपको लाइनिंग लगवानी है। और अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी हैं तो भी आपकी ये ब्लाउज आराम से आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी एक बेस्ट ऑप्शन लगा। अफोर्डेबल प्राइस में भी लगी है साड़ी, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही डिजाइनर सी साड़ी है। और वेबसाइट पे आप इसे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहेगी। अब जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है वो है बहुत ही सुंदर सी एक मल्टी कलर साड़ी। एंड लुक एट दिस, अभी क्या है कि लहरिया वाली साड़ी का भी सीज़न आ गया है, लहरिया का भी। तो मैंने बहुत सारी लहरिया साड़ी भी ऑर्डर कर रखी है, लेकिन मैंने ये मुझे कुछ बहुत ही सुंदर सी मल्टी कलर साड़ी लग रही थी, कुछ कुछ लहरिया वाला भी लग रहा था इसमें, क्योंकि कलरफुल साड़ी है ना, तो कुछ इस तरीके का लग रहा था। लेकिन यार इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपको फुल जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी मिल जाएगी। प्लस ऐसी पचरंगी साड़ी है, इन साड़ी का कभी भी फैशन आउट नहीं होता, प्लस किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट रहती है।
बहुत ही ऐसे ब्राइट कलर्स इसमें यूज किए गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। कलर्स तो आप देख ही सकते हो, इसमें आपको ऑरेंज, येलो, पिंक कलर, बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। लुक एट दिस ब्लाउज, कितना ज़्यादा प्रिटी है। ये आपको पूरा सिल्क में ब्लाउज देखने को मिलेगा, प्लस इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ही शाइनी फैब्रिक है, तो स्टिच कटाने के बाद इस ब्लाउज का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। शाइन आप देख ही सकते हो, आपको वीडियो में अच्छे से कैप्चर हो रहा होगा कैमरे में। एंड कुछ इस तरीके के इस पर मिरर्स लगाए हुए हैं, प्लस एम्ब्रॉयडरी की गई है। मिरर्स जो है फॉयल मिरर्स है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये ब्लाउज आपको इसमें अटैच मिल जाएगा। 90 सेंटीमीटर के आसपास ब्लाउज है, जो आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। अब बात करते हैं साड़ी की। साड़ी कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है ब्लाउज के साथ, इस वाली साड़ी का ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। प्लस पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके की जो है कटवर्क देखने को मिल जाएगा। और ये जो मिरर्स इन्होंने लगाए हुए हैं ना, सारे फॉयल मिरर्स हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है। लुक एट दिस साड़ी, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा इस वाली साड़ी का। पूरी 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिल जाएगी। जॉर्जेट फैब्रिक है, प्लस लाइट वेट है, पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लगेगी। एंड बीच बीच में आपको इस तरीके की भी बूटे देखने को मिल जाएंगे। पूरा फॉयल मिरर का काम है एंड पूरी एम्ब्रॉयडरी का काम है। लुकिंग वाइज ये वाली साड़ी परफेक्ट लगेगी यार। सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है, ब्राइट कलर है, तो डेफिनेटली इस वाली साड़ी को पिक करना मे भी, इसमें भी शायद मीशो पे कलर ऑप्शन है। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक बहुत ही प्यारी सी इंडो वेस्टर्न ड्रेस, महंगा बोल लो लेकिन यार ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, अभी जस्ट आया है मीशो पे। प्लस मैंने इसे और वेबसाइट पे सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। तो स्टार्ट करते हैं, इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। एक तो ये पूरी जो लहंगा है ना, टफेटा सिल्क फैब्रिक में है। कलर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा ये वॉलेट कलर है। शाइनिंग वाला फैब्रिक है क्योंकि टफेटा सिल्क फैब्रिक है। साइड से आपको सेमी स्टिच मिल जाएगा, यानी कि एक साइड से खुला हुआ, जस्ट आपको इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कराना है। एंड प्लेन मिलेगा, बस आपको यहाँ पे बॉर्डर जरी का काम देखने को मिल जाएगा वेस्ट पे, बाकी लाइनिंग लगवाई हुई है। अंदर अंदर आपको प्रॉपर फुल कैन नहीं मिलेगी, तो अगर आप फ्लेयर चाहते हो तो डेफिनेटली इसे कैन स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। लेकिन इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, 3 मीटर के आसपास फ्लेयर है, प्लस लाइट वेट है, तो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी ड्रेस है। एंड इसमें आपको कुछ इस तरीके की लुक एट दिस जैकेट देखने को मिल जाएगी। जो इसका प्रॉपर लुक है ना, जब आप इसे स्टिच करवाओगे तब आएगा। और ये जैकेट है जो फ्री साइज में है। स्कर्ट इन्होंने लाइट रही है क्योंकि इसका ब्लाउज है, और जो इसकी जैकेट है वो काफ़ी हैवी है। पूरा 90 सेंटीमीटर का आपको टफेटा सिल्क का ही ब्लाउज पीस देखने को मिल जाएगा, तो आप कैसे भी इसे स्टिच करा सकते हो। पूरे पे जरी का काम किया हुआ है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी, प्लस स्टाइलिश लगी, ट्रेंडी है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। तो लुकिंग वाइज ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगी, और इस पर जो पूरा जरी का काम किया गया है ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा निकली है। तो इस तरीके का ब्लाउज मिल जाएगा, ये आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। प्लस जैकेट इन्होंने ना इसमें फ्री साइज रखी है, तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी हो तो भी आपके आराम से आ जाएगी। और इस तरीके की पूरी जरी के काम वाली आपको जैकेट देखने को मिल जाएगी। मैं जब इसे ट्राई आउट में बताऊंगी आपको, फुल लुक इसका अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बिकॉज इसका फुल लुक आएगा जब आप इसे फिटिंग कराओगे, प्लस जब ब्लाउज स्टिच कराओगे तभी इस ड्रेस का फुल लुक आएगा। प्लस कैंकर स्कर्ट के साथ पहनना, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन के लिए। तो इस तरीके की आपको ये जैकेट देखने को मिल जाएगी। फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, जरी का काम किया गया है। स्लीव्स आप देख सकते हो, इसमें आपको फुल स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता सेट। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। एंड यार ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यू है मीशो पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है इन अफोर्डेबल प्राइस में। तो और सबसे अच्छी बात है ब्राइट कलर है, रेड कलर पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। तो कुछ इस तरीके का ये वाला कुर्ता सेट देखने को मिल जाएगा। प्लस क्वालिटी बहुत बहुत अमेजिंग है प्राइस के अकॉर्डिंग। लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। ये ड्रेस उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्ट्रैपी शोल्डर पहन सकते हैं, लाइक इसमें आपको स्लीव्स नहीं मिलेगी, स्लीवलेस देखने को मिलेगा, स्ट्रैपी शोल्डर है। एंड मुझे इस तरीके की ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पहनने के बाद ना इनका लुक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आता है। प्लस अभी चल रही है समर्स,
बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये सूट ऐसा है कि किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन में आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगा। एंड पूरे पे आपको गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी ऊपर से नीचे तक, और बस प्लेन मिलेगा बाकी, रियॉन फैब्रिक है, कम्फर्टेबल है पहनने के बाद। और साइज़ जो मैंने इसमें पिक किया है वो है मेरा मीडियम, इसमें आपको सारे साइज़ मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। मे भी शायद स्मॉल साइज़ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने मीडियम पिक किया है, तो इस तरीके का आपको इसमें कुर्ता देखने को मिल जाएगा। एंड यर स्ट्रेस है ड्रेस सिंपल, लेकिन अब जब आप इसे ज्वेलरी वगैरह के साथ कैरी करोगे बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा, कोई बिलीव नहीं कर सकता इतनी कम प्राइस में ये वाली ड्रेस, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगी। प्लस इसका दुपट्टा इन्होंने बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा दिया है, रेयॉन फैब्रिक का दुपट्टा है रेड कलर का, प्लस चारों तरफ वही गोल्डन वाले गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। 2.25 मीटर का दुपट्टा है, लेंथ काफ़ी अच्छी है लॉन्ग नहीं है, तो स्टाइलिश है दुपट्टा भी। बॉटम में आपको इस तरीके की पैंट देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के गोटे का काम किया हुआ है, गोल्डन कलर के गोटे का, प्लस इलास्टिक वाली पैंट है तो पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल वो रहेगी, वो ही सेम रेयॉन फैब्रिक है। क्वालिटी के अकॉर्डिंग परफेक्ट ड्रेस है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, प्लस सबसे अच्छी बात है कंफर्टेबल है, तो उस अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली पिक करना यार, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है इस तरीके की ड्रेसेस। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ना वो है ना ये हैंड बैग है। मुझे मीशो पे मैंने बहुत सारे हैंडबैग देख रही थी, तो यार इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, प्लस प्रिंट आप देख सकते हो ना, ये जिगजैग वाला जो प्रिंट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, प्लस ऐसा है आप इसे किसी भी वेस्टर्न और इंडियन वेयर दोनों के साथ कैरी कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी स्मार्ट लगा। तो और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने इसे पिक करके देखा एंड रियली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको इस तरीके के हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, और साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, बस अंदर की साइड एक छोटी जिप और दी हुई है इन्होंने, जिसमें आप अपना कुछ भी जो भी पैसे वैसे रखना चाहो वो रख सकते हो। पर फैब्रिक यूज़ किया गया है ना, ये कॉटन फैब्रिक है, और मे भी शायद ये वाटरप्रूफ भी है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ ये वाटरप्रूफ है, प्लस लेदर की जो क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है, कॉटन की फैब्रिक की क्वालिटी यूज़ की गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, प्लस स्टाइलिश है एंड काफ़ी अच्छा लगेगा किसी भी वेस्टर्न वियर के साथ, अगर आप इसे कैरी करोगे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। प्लस ये ना आपको दो का सेट देखने को मिलता है, लाइक एक तो हैंडबैग देखने को मिलेगा इसमें, एक आपको स्लिंग देखने को मिलेगा, तो यार इतनी कम प्राइस में आपको दो मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सेम जिगजैग प्रिंट किया हुआ है, सेम क्वालिटी है, कॉटन के फैब्रिक इसमें यूज़ किया हुआ है, और पॉकेट देखने को मिल जाएगी जिसमें आप थोड़ा अपना सामान कैरी कर सकते हो, लाइक मेकअप वगैरह, अपना मोबाइल आपका इजीली आ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। प्लस आपको एक कॉटन फैब्रिक में ही यहाँ पे इसमें स्ट्रैप देखने को मिल जाएगी, डोरी, इसे आप हैंग कर सकते हो चाहो तो इस पर्स के अंदर कैरी कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, तो डेफिनेटली ये 2 का कॉम्बो है, बाय करके देखना आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी क्वालिटी, प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगेगा। ये था आज का वीडियो एंड ये था आज का कलेक्शन, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली अगर मुझे पसंद आएगा आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आज के मीशो हॉल में आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी आपकी चॉइस जाननी होती है कौन सी है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।